This is for 900 rupees. What? 100% plant-based. नॉर्मल चिकन नगेट से इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा है. बर्गर कितना अच्छा बनाया मैंने. हाँ, खुशबू तो काफी अच्छी लग रही है. आई होप यस, पक्का ही होगा. मैं अंदर भी मैदा खा रही हूँ, बाहर भी मैदा खा रही हूँ. आई लव गुजराती मिर्च. वीगन मीट कबाब खाने में भी एकदम एग्जैक्टली चिकन जैसा लग रहा है. oh, no. पापा साहब आ चुके हैं रेस्क्यू में लाइट देने के लिए. नो मैटर व्हाट, सिंफुल ईटिंग शुड नॉट स्टॉप. गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंफुल ईटिंग. आज आई एम सुपर एक्साइटेड. आज मौसम बड़ा It's literally raining and I'm enjoying it. Well, आज का thumbnail title glimpse को देख के पता चल गया होगा कि आज हम खाने वाले हैं plant based food for 24 hours. Basically we're gonna eat plant based meat. Yes, when I say plant based meat means it's meat but it's not meat. ये भी मुझे food fam ने suggest किया था. ये शायद आपने किया था. नहीं आपने किया था. नहीं आपने किया था. नहीं आपने किया था. किसने किया था वो आप कमेंट करके बताओ. मैं जाती हूँ खाने अपना ब्रेकफास्ट. बाय द वे, जब मैं ब्रेकफास्ट खाने जा रही हूँ आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. सो आज के इस वीडियो के लिए ना मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स मंगा लिए ताकि मुझे भी पता चले, आपको भी पता चले कि कौन सा ब्रांड ऑप्ट करना नहीं करना है. बट ये ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा हार्ट अटैक होने वाला है ब्रेकफास्ट खा के, बिकॉज अभी मैंने जो ऑप्ट किया है वो है सॉसेजेस मंगवाए हैं. वो है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड बियॉन्ड सॉसेजेस विच इज अ प्लांट बेस्ड सॉसेज एंड यू वोंट बिलीव इसका प्राइस पता है कितना है. दिस इज फॉर 900 रुपीज. नो मैटर हाउ डिलीशियस इज दिस, आई एम श्योरली नॉट गोइंग टू बाय दिस अगेन बिकॉज 900 रुपए 2 पीस ऑफ सॉसेजेस के लिए आई विल नॉट बी स्पेंडिंग. इसका कुकिंग इंस्ट्रक्शन नॉर्मल है, तो पैन फ्राई कर सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो. इट्स अ वीगन सॉसेजेस, वीगन. तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है. सेकंड मैंने नगेट्स मंगवाए हैं. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड द फील्ड ग्रिल कंपनी. नाउ दिस आर स्पाइसी नगेट्स. दिस आर अगेन 100% प्लांट बेस्ड. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ये भी वही सब वेजिटेबल्स वगैरह से बना है. दिस इज फॉर 299 रुपीज. आई वंडर क्या है इस सॉसेजेस में जो 900 रुपए का 2 पीस है. देख के तो इतना एपेटाइजिंग नहीं लग रहा है. पहले सॉसेज ही फ्राई करते हैं. आई एम गोइंग टू पैन फ्राई दिस. लेट्स सी ये 900 रुपए का वीगन सॉसेज एक 100% नॉन वेजिटेरियन को सैटिस्फाई कर सकता है कि नहीं. मुझे लगता है कर ही देगा क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी आ रही है. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड इट्स मनी. सॉसेज के जैसे टेक्सचर है कट करते वक्त. तो देखो टेक्सचर की अगर बात करूँ तो बिल्कुल जैसे मैं नॉर्मल सॉसेज खाती हूँ वैसा ही है. देखने में भी अच्छा लग रहा है, एपेटाइजिंग लग रहा है, सॉसेज की तरह एकदम है. पुदीना की खुशबू आ रही है. आई डोंट नो, लेट्स सी. 900 रुपए का सॉसेज खा रहे हैं. इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. इसका टेक्सचर एकदम मीट की तरह है, खाने में भी एकदम सॉसेज की तरह. सॉसेज बहुत ज्यादा चुई होता है ये, लेकिन लेस चुई है. पता है द बेस्ट पार्ट इज इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इसमें पुदीना का फ्लेवर आ रहा है मेरे को. नॉर्मली जो हम लोग सॉसेज खाते हैं ना वो बहुत ब्लाइंड होता है या फिर उसमें सिर्फ पेपर का टेस्ट होता है या कोई चीज फ्लेवर का हो गया. तो दिस इज वेरी फ्लेवरफुल एंड मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दिस इज नॉट मीट एंड दिस इज वीगन. इट इज टेस्टिंग एग्जैक्टली लाइक मीट. ऐसा लग रहा है अंदर मेरे को ना मिक्स्ड मीट दिया हुआ है, वो च्यू हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी 900 रुपीज एक्सपेंसिव है. खरीदने से पहले डेफिनेटली सोचूंगी बट दिस इज वेरी गुड. आई विल गिव 10 out of 5 टू दिस सॉसेज. मतलब इतना अच्छा लग रहा है मेरे को सीरियसली. तुम खा के देख, तुम खुद बताएगा. पता ही नहीं चल रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बट 900 रुपए बस प्राइस इसका बहुत एक्सपेंसिव है. आने वाला टाइम में हो सकता है जब वीगन सब लोग होने लगेगा तो सस्ता हो जाएगा. बट ये किसी नॉनवेज को अगर तू नहीं बोल के खिलाएगी तो पूरा पक्का वो पकड़ेंगे. हाँ, वेरी गुड. मस्ट ट्राई. मतलब 900 रुपए जो अफोर्ड कर पाएगा 2 के लिए वो तो ट्राई कर लेना. और अभी नेक्स्ट आइटम हम खाएंगे स्पाइसी प्लांट बेस्ड नगेट्स. सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग. और देखने में बिल्कुल नगेट्स की तरह लग रहा है. साइज कलर बहुत ही प्यारा और देखने में भी बिल्कुल नगेट्स की तरह. चलो अब इसको फ्राई करते हैं. तो अभी हम खाएंगे द नेक्स्ट इज द वीगन प्लांट बेस्ड नगेट। थोड़ा एपेटाइजिंग कम लगा मेरे को, पता नहीं बिट्टू भैया बोला कि बेसन का पकौड़ी लग रहा है, मेरे को भी ये वही लग रहा है। डजंट लुक दैट एपेटाइजिंग टू मी। स्पाइसी नगेट्स बोला, डेफिनेटली स्पाइसी। टेक्सचर लुक्स लाइक नगेट बट इसका टेस्ट अगर मैं बोलूँ तो इसमें सोयाबीन डाला हुआ है। इट्स लाइक 75% नगेट्स की तरह टेस्ट कर रहा है, चिकन नगेट्स की तरह। हाउएवर टेक्सचर ओके टाइप से, मतलब टेक्सचर उतना नगेट्स की तरह नहीं आया हुआ है। बट या इट इज नॉट दैट ग्रेट, बट या इट्स ओके, लाइक इट्स गुड एवरेज फॉर नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। स्नैक पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वर्थ बाइंग एंड ईटिंग, यू कैन ट्राई, इट्स गुड। इफ आई हैव टू रेट इट देन मैं इसको रेट करूंगी 3.75 आउट ऑफ 5। हाँ, 3.75 आउट ऑफ 5। हे फूड फैम, जैसे कि आप सबको पता है दैट IPL मैचेस आर ऑलरेडी ओवर, बट इसमें अपसेट होने की कोई बात नहीं है बिकॉज T20 मैचेस के फॉर्म में कई सारे मैचेस आने वाले हैं, जैसे कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड, इंडिया श्रीलंका विमेन्स मैच एंड सो ऑन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन सारे T20 मैचेस में आप पैसे जीत सकते हैं, तो आपको बस इन सारे बिग मैचेस में बेट करना है एंड यू कैन अर्न बिग मनी। 1XBET एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके इस ड्रीम को पूरा करेगी कि आपको सिर्फ इन मैचेस में बेट करना है और इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं खूब सारा मनी। सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपको मिलेंगे 26,000 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट ओनली ऑन 1XBET एप्लीकेशन। अपने बेट्स जीतने के बाद आप इजीली इन पैसों को अपने बैंक या पेटीएम के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। सो वेट किस बात का है फूड फैम, 1XBET की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। जल्दी से जाओ, खेलो और जीतो खूब सारे पैसे। नाउ बिफोर माय नेक्स्ट मील मैं खाने वाली हूँ बर्गर। तो ये फील्ड ग्रिल कंपनी, सेम जिसका भी हमने वो नगेट्स खाया था, उसका बर्गर पैटी है विच इज 100% प्लांट बेस्ड। इसका प्राइस इज आपका 399 रुपीज। और इसके साथ हम लोग ये शाकाहारी ब्रांड इज क्वाइट फेमस फॉर प्लांट बेस्ड फूड, ये इसके मैंने काफी एड्स एंड ऑल देखे हैं। तो इसका मैंने चिकन नगेट्स, क्योंकि बर्गर फ्रेंच फ्राइज के साथ खाता है बट फ्रेंच फ्राइज विल बी वेरी नॉर्मल, सो आई एम गोना ट्राई इसका चिकन नगेट्स विच इज द ब्रांड शाका हारी। ना इसका प्राइस है एंड नाउ दिस इज अगेन हॉट एंड स्पाइसी नगेट्स। ना इस ब्रांड का हमने स्पाइसी नगेट्स खाया था जो जिसको मैंने 3.75 दिया था विच वॉज ओकेश। नाउ लेट्स सी कि इसका नगेट्स कैसा है खाने में। एंड इसका प्राइस इज 295 रुपीज। ओके, लुक्स गुड टू मी। एकदम जैसे ग्रीन फील्ड, जैसे ये फील्ड एंड ग्रिल कंपनी का नगेट था, एकदम वैसा ही देखने में है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसमें काफी ज्यादा पीसेस, तो ये 10-12 पीसेस है, तो इसको मैं एक बार फ्राई करने दे देती हूँ और इन द मीनवाइल मैं बर्गर बना लेती हूँ। इसका कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। सी वी हैव गॉट ऑल्टरनेटिव्स, लाइक इंस्टेड ऑफ चिकन यू कैन गो फॉर पीस। तो इसके अंदर 4 पीसेस है। तो ये वाला पार्टी ऐसा है, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस। बन रेडी है, टोमेटो चीज अनियन लेटिस वगैरह रेडी है। और ये दिस इज हाउ माई पार्टी लुक लाइक विच इज अ वीगन पार्टी। सो लेट्स प्रिपेयर वन। आई एम टेकिंग द बन, इसको मैंने मक्खन से सेका हुआ है। आई एम एडिंग सराचा मेयो, यू कैन अप्लाई मेयोनीज या फिर टोमेटो केचप और सो। मेयो सराचा मेयो को अच्छे से जेनरस तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं। प्लेस द पार्टी, टोमेटो पतले वाले एकदम, देन प्लेस अनियन, द लेटिस। I'm not adding salt, pepper and all. Cheese slice on top. And देखो मेरा burger is ready. This is the vegan burger and एकदम जैसे फोटोज में और कार्टून में दिखाते एकदम वैसा बना है ना, एकदम टोमेटो दिख रहा है, लेटस दिख रहा है, कितना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है। So now let's just dig in. So ये रेडी है मेरा खाना and yes I've made this burger and nuggets. But एक चीज बोलूँगी, ये nuggets को मम्मी से मैंने डीप फ्राई करवाया बोल के, ये बहुत अच्छा और क्रिस्प हुआ है राइट। और मैंने उसको डीप फ्राई नहीं किया था, तो शायद हो सकता है वो इतना अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ। तो सबसे पहले नगेट्स ट्राई करके देखते हैं फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड शाका हारी। बहुत अच्छे से क्रिस्प फ्राई हुआ है। इट्स स्पाइसी, इट्स फ्लेवरफुल बट इट्स नॉट टेस्टिंग लाइक नगेट्स इज टेस्टिंग। गुड। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, वाइट कलर, एकदम जैसा नगेट्स जैसे टूटता है ये बिल्कुल वैसे ही टूट रहा है आप देखो। बट इसका टेस्ट नगेट्स जैसा है 80%। देखने में टेक्सचर वगैरह पूरा नगेट्स की तरह, चिकन नगेट्स की तरह, खाने में भी बहुत स्पाइसी मज़ेदार है। बट वो जो एक चिकन नगेट्स का एक स्टॉकी टेस्ट होता है ना, वो इसमें कहीं ना कहीं कमी है। वाव, बट दिस इज गुड, दिस इज क्रिस्पी, दिस इज फ्लेवरफुल। इनफैक्ट आई वुड से मेरे को चिकन नगेट्स से ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। नॉर्मल चिकन नगेट्स से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। शाका हरी ब्रांड का नगेट्स इज अ मस्ट ट्राई. आई विल गिव 4.5 out of 5. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका टेक्सचर लुक एग्जैक्टली लाइक चिकन नगेट्स एंड स्पाइसी ऑल्सो. I love this. I will तो happily substitute chicken nuggets with this vegan nuggets. इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. Like after eating this, I will not be missing chicken nuggets. Now let's try the burger, which is burger. Now एक बार बोलूँ, मैं वो जो पहला वाला nuggets आया था ना सुबह में, उसको मैं 4 दे दूंगी क्योंकि मैंने मेरा गलती हुआ, मैंने उसको डीप फ्राई नहीं किया. नगेट्स आर टू बी ईटन लाइक आफ्टर डीप फ्राई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट में तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, तो मेरी गलती की वजह से हुआ है. तो आई विल गिव 4 एंड दिस को इसको मैं दूंगी 4.5. लेट्स ट्राई द बर्गर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. आई मीन वेट, लेट मी टेक मोर बाइट. लाइक आप देख सकते हो मैंने इसको बनाने में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं किया. मैंने एकदम परफेक्ट बर्गर की तरह बनाया है विथ चीज़, टोमेटो, अनियन, सॉसेज, लेटस. बन को बहुत अच्छे से फ्राई किया सो दैट आई कैन गेट द यू नो एग्जैक्टली एक्चुअल फ्लेवर, क्योंकि आप भी अगर घर पे बनाओगे तो ऐसे ही बना के खाओगे, सिर्फ पैटी तो खाओगे नहीं, बिकॉज इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है बर्गर के अंदर ऑलरेडी. तो ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ऑनेस्टली. सिवाय दैट ग्रिल चिकन बर्गर, तंदूरी चिकन बर्गर, वो सब जो नॉर्मल चिकन बर्गर है, उसके अलावा जो हम लोग क्लासिक बर्गर खाते हैं विच इज़ लाइक पैटी, फ्राइड पैटी अंदर रहता है, एग्जैक्टली वैसा लग रहा है. लग ही नहीं रहा इट्स अ वीगन पैटी. इट्स सो डिलीशियस, सो गुड. पैटी इज सो सॉफ्ट. हाउएवर ये पैटी जो है ना, ये बर्गर पैटी जो है ना, वो मेरे को आलू पैटी ज्यादा, मतलब मीट और आलू का पैटी जैसे अगर कोई बनाए ना तो वैसा लग रहा है. एक बार मैं इसको पैटी टेस्ट करके देखती हूँ क्या ये नगेट का जैसा टेस्ट था ना, ये पैटी वैसा ही टेस्ट कर रहा है. इट्स नॉट टेस्टिंग 100% मीट, बट एज कम्पेयर टू द रियल मीट इट्स टेस्टिंग सुपर डिलीशियस एंड आई थिंक फार मोर बेटर देन द मीट. आई लव दिस बर्गर यार, कितना अच्छा बनाया मैंने. हिट लाइक फॉर दिस बर्गर. अभी फॉर माई इवनिंग स्नैक्स आई एम गोइंग टू ईट अगेन दिस ब्रांड. मैंने देखा क्यों नहीं, द फील्ड एंड ग्रिल कंपनी ना, इसका वील बी ट्राइंग शेजवान मोमोज. आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई मोमोज ना. दिस इज फॉर 299 rupees एंड इसको आप माइक्रोवेव करके खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, पैन फ्राई करके खा सकते हैं, डीप फ्राई करके खा सकते हैं, बट हम इसको स्टीम करके खाएंगे बिकॉज सुबह से हम बहुत फ्राइड आइटम खा चुके हैं. ओके. लेकिन जो भी बोली, इस ब्रांड का पैकेजिंग इज वेरी गुड. नाउ दिस आर शेजवान मोमोज. तो वन थिंग विच आई हैव रियली लाइक एट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी गुड बिकॉज आप देख सकते हैं लाल लाल, तो बेसिकली जो अंदर का जो फिलिंग है उसमें शेजवान चटनी डाला हुआ है, बट इन लोगों ने इसके साथ कोई चटनी नहीं दी है. आई थिंक एंड आई होप कि जो फिलिंग है वो स्टैंड अलोन खुद में ही बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी, क्योंकि आप लाल लाल देख सकते हैं. तो आई थिंक इसमें चटनी की ज़रूरत नहीं होगी. शेप्स बड़े प्यारे हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसका शेप किया हुआ, एकदम गुंजिया की तरह. गुंजिया बनता है ना, गुंजिया होली में जो गुंजिया बनता है वैसा. मोमो स्टीमर को हमने ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लिया. नाउ विल प्लेस आवर मोमोज. आई थिंक इट्स रेडी, बट काफी गर्म है यार. ओह हाँ, खुशबू तो काफी अच्छी लग रही है और देख के भी बहुत सुंदर लग रहा है. चलो खा के देखते हैं. खाने से पहले हम इसका पोटी करेंगे. पोटी करने के लिए हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे. सो आई होप यस, पक्का ही होगा. सो अंदर जो फिलिंग जैसे ही खुला तो देख के तो बहुत एपेटाइजिंग लग रहा है. लाइक यू नो इट्स मसालेदार. रेड चिली दिख रहा है, उसका फ्लेक्स, ग्रीन अनियन दिख रहा है, अनियन दिख रहा है, गार्लिक दिख रहा है, ये गार्लिक है, और ऐसा लग रहा है मिंस्ड मीट है. एंड एज यूजुअल शेजवान चटनी के साथ इसको मिलाया है एंड देन इसका फिलिंग रेडी किया हुआ है. तो देख के तो मुझे काफ़ी एपेटाइजिंग लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए. आप इसको खा के देखते हैं कि ये कैसा है. पका नहीं, पका है तो मोमो जैसा फीलिंग नहीं है, मैदा मैदा लग रहा है. सही बोला, बहुत मैदा लग रहा है. ऐसा लग रहा है मैं अंदर भी मैदा खा रही हूँ, बाहर भी मैदा खा रही हूँ. लाइक बोला ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स लुक. दिस इज नॉट दैट एपेटाइजिंग. लाइक बहुत ज़्यादा डोई है एंड इट्स फीलिंग लाइक मैं बाहर भी मैदा खा रही हूँ, अंदर भी मैदा या आटा का कोई स्टफिंग डाला हुआ है. पता नहीं क्यों इट्स नॉट टेस्टिंग दैट ग्रेट. लग ही नहीं रहा कि मतलब एक होता है ना वेजिटेरियन मोमो लगे, वो भी नहीं लग रहा है, नॉनवेज मोमो तो दूर का. डेफिनेटली इट्स स्पाइसी, इट्स गुड, मसालेदार है, बट ऐसा लग रहा है मसालेदार मैदा मोमो खा रही हूँ मैं. ये आउटर शीट की वजह से मार खा गया, इसलिए अंदर का टेस्ट ना तो समझ में नहीं आ रहा. इसका रैपर थोड़ा पतला होता ना तो अंदर का फीलिंग अच्छा लगता. शेजवान चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. अंदर का फीलिंग का जो जायका है वो बहुत अच्छा है. बट ये रैपर ने पूरा टेस्ट खराब कर दिया। लाइक मोमो वाला फीलिंग नहीं आएगा आपको इससे। अच्छा अच्छा मोमो जगह में ना इतना अच्छा फीलिंग नहीं डालता है। धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन, अंदर का फीलिंग का टेस्ट बहुत अच्छा है। बोलते बोलते तो मैं 3-4 ऐसे खा गई। If I have to rate this, then I will rate it 3 out of 5. Not even 3, 2.75 and 2.75 भी मैं सिर्फ और सिर्फ अंदर का फीलिंग के लिए दूंगी, because बाहर का रैपर is not happening, like not. So yes, सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है and I did not work out in the morning. So what I can afford to do, in fact you also can afford to do, it's very reasonable. That is working for an hour. So I'm going to work for an hour. उसके बाद I'm going to eat the last meal. आज मैं खा ले रही हूँ because it's weekend. Oh, feels so great after doing an hour's walk. लिटरली अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। एंड ये जो मेरा पसीना वाला चेहरा है, आप लोग ये इस चैनल में ऐसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट जो भी मुझे सिंपल व्लॉग्स में फॉलो करता है, ऑल द फूड फैम नोज दिस एंड दे सी दिस स्वेटिंग फेस ऑलमोस्ट एवरी डे। वेल आई एम स्वेटिंग अ लॉट, सो अभी आई थिंक आई शुड जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड सी यू इन द डिनर। सो नाउ बिफोर माय डिनर आई एम गोइंग टू ईट कबाब। नाउ दिस इज प्लांट बेस्ड कबाब, ये है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड ऑफ मीट, प्लांट बेस्ड कबाब। एंड यस, इधर इसका प्राइस कितना था, 270 रुपीज। तो इसको कैसे बनाना ये देख लेते हैं। रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम पैकेजिंग, हीट द ऑयल मीडियम एंड डीप फ्राई फॉर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है। ओह अच्छा, इसमें ऐसे कबाब है, मेरे को लगा शीख कबाब जैसा होगा। खुशबू इज डिफरेंट। तो ठीक है, फिर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको फ्राई करने के लिए भेज देते हैं। इन द मीनवाइल मुझे अभी इसका टेंशन है, विच इज चेट्टीनाड बिरयानी। इसको मैंने डीप फ्रीज में रख दिया था, ये बहुत जम गया। मेरे को पता नहीं मैं इसको कैसे करूँगी। इसको रूम टेम्परेचर में रख के फिर माइक्रोवेव करके खाना था। फ्रोजन प्रोडक्ट पता नहीं कैसे करूँगी। अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ इसका टेक्निक क्या है। ये चावल देखो ऐसे जमा हुआ है, तो इसको पहले तो मैं डीफ्रोस्ट करती हूँ। जब तक वो मेरा फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसका कुछ करके इसको बिरयानी बनाती हूँ। हमने इसको थोड़ा डीफ्रोस्ट किया है, बट इसको और डीफ्रोस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको बाउल में निकाल के, अरे ये क्या है, अरे बाप रे बाप, क्या है? राइस का खुशबू अच्छा है, लेकिन अबे राइस का है, आई डोंट नो। राइस का मैं चिकन ज़्यादा, चिकन मतलब वीगन चिकन ज़्यादा है। मेरा यहाँ पर कबाब बन के आ गया है, बट इसको पहले डीफ्रोस्ट कर लेते हैं। सो ये मैंने इसको माइक्रोवेव भी कर लिया है। काफ़ी मस्त धुआं आ रहा है और इसकी खुशबू बहुत 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 ही अच्छी आ रही है। फिर प्याज भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है। आप देखो ऐसा लग रहा है अभी तुरंत ही किसी ने बिरयानी बनाई है। नो वन विल से कि इट्स अ पैकेज बिरयानी देख के, और ये चंक्स देख के तो कोई नहीं बोलेगा दैट इट्स अ वीगन मीट। लेट्स सर्व एंड ईट नाउ। सॉरी, इसका प्राइस बताना भूल गई। इट इज एक्सपेंसिव डेफिनेटली। दिस इज फॉर 595 रुपीज़। क्वांटिटी कम है, बट अगेन इट्स अ वीगन, तो इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। सो ये मेरा डिनर तैयार है और मैं अभी वॉक करने के बाद आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, चेंज वेंज करके। एंड यस, इसके साथ मैंने रायता ले लिया टू यू नो टेस्ट को एनहांस करने के लिए। एकदम बाकायदा प्रॉपर मिर्ची ले लिया है। ये मिर्ची ना हमारे एक टेनेंट है, गुजरात में रहती है, गुजराती है शी। तो गुजरात से उसके वहाँ से ये मिर्ची आती है, विच इज़ लाइक सुपर टेस्टी बट नॉट स्पाइसी एट ऑल। So when I say super tasty, not spicy means I love गुजरात की मिर्ची and I also love यूपी की मिर्ची। वो ना तीखी नहीं होती बट बहुत जायकेदार होती है। अनियन ले लिया है and this kebab. Now this kebab is from this brand of meat and this is from Imagine Meat. So बिरयानी देखने मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, however कबाब मेरे को थोड़ा disappointing लग रहा है। कबाब के जैसा लग नहीं रहा है, तो देखते हैं इसके अंदर कैसा है। वीगन मीट कबाब, बट देख के काफ़ी मसालेदार लग रहा है। मेरे को ये पेपरकॉर्न दिख रहा है, लाइक गोल्ड मिर्च, एंड लुक्स गुड। अरे खुशबू पूरी बेसन और मटर नहीं होता, मटर मतलब कैसे मटर बताऊं, काबली चना ऐसा लग रहा है। वो पीसा हुआ है चना पीसा हुआ है, और या फिर सोयाबीन पीसा हुआ है, वैसा लग रहा है। तो एक बार टेस्ट ऐसे ही करके देखती हूँ। जी इसको ये नॉनवेज बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर मैं ये मीट वाला चीज हटा दूं तो वेज वर्जन में बहुत अच्छा है, बहुत जायकेदार है। इट्स सुपर डिलीशियस। वन कैन डेफिनेटली ट्राई, लाइक स्टार्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैकेज हिसाब से काफी अच्छा है। बट अगर मैं इसको इसके कॉन्सेप्ट में ले आऊँ कि वीगन मीट के हिसाब से मीट को सब्सटीट्यूट करने के लिए टेस्ट, तो इसमें बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। मीट का कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा, बट ये खाने में काफी अच्छा है। अगर मैं मीट वाला एक्सपेक्टेशन और कॉन्सेप्ट हटा दूं तो इट्स अ वेरी नाइस वेज स्टार्टर। वेरी नाइस, वेरी मसालेदार, बहुत अच्छा साइड का। पता है आज सुबह से लेके हमने जितने भी खाने खाए हैं ना, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी इंप्रेसिव थे एंड सबके फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। मतलब पैकेज फूड में क्या थोड़ा सा कहीं ना कहीं जायका मिसिंग रहता है, यू नो, फ्रेश फूड जैसा नहीं लगता। ये सारे खाने जो मैंने सुबह से खाए ना काफी फ्रेश थे। अब आती है बिरयानी की बारी, विच इज वीगन मीट चेट्टीनाड बिरयानी। Now this pieces of vegan meat looks exactly like chicken meat. राइस की बात करूँ तो काफी फ्लेवरफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं प्याज बहुत कैरामलाइज्ड अनियन दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी खुशबू बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी है, यू नो, जो टच होता है ना, इस टच से मेरे को ये काफी फ्रेश फील हो रही है, ऐसा लग रहा है घर में ही बनी हुई है। देख के तो मीट नहीं लग रहा है, बट इन्होंने पूरा 99% कोशिश किया है पूरा वही वाला फील देने का। इसका टेक्सचर बहुत हद तक मीट की तरह बनाने का कोशिश किया है। Now let's try this. I'm very excited to try this biryani because इसकी खुशबू जैसे जैसे पक रहा था ना, इसकी खुशबू काफी अच्छी लग रही थी। Wow, amazing! I love South Indian flavors, यार। Oh my God, this is must try. If you can afford it, 900 rupees का sausage is a must try. If you can afford it, 595 rupees का ये biryani is a must try. I'm for sure you will able to afford it. वो चिकन पार्टी वाला जो वीगन मीट पार्टी, वो मस्ट ट्राई। आज की पूरी वीडियो में इज अ मस्ट ट्राई फ्रॉम माय एंड। मेरा सजेशन है खाके देखो, यू विल थैंक्स मी टन्स ऑफ टाइम, बिकॉज स्पेशली मैं नॉन वेजिटेरियन फूड फैम। ये वाला चीज जो इन्होंने टेक्सचर बनाया, ये खाने में भी एकदम एग्जैक्टली चिकन जैसा लग रहा है। उसका जो मीट का जो टेक्सचर होता है ना जब हम चिकन खाते हैं, हल्का चुई मीटी, एग्जैक्टली वैसा लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं मीट नहीं खा रही हूँ, मैं वीगन मीट खा रही हूँ। एंड इसका जो राइस है बिटू, आई कांट टेल यू, द राइस इज सो फ्लेवरफुल, इतने अच्छे से पका है, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट कर रहा है, मसाले सारे फ्रेश टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें कितने अच्छे से मसाला लगा हुआ है पूरा, बहुत अच्छा है। अंदर भी काफी अच्छे फ्लेवर्स है, इलायची, लौंग, सब कुछ खड़ा खड़ा डाला हुआ है इसमें। तारीफ करूं क्या इसकी, जिसने बनाया, और जिसने बनाया उसने लाइट ही ले लिया, मतलब लोड शेडिंग हो गया। नो मैटर व्हाट, सिंफुल ईटिंग शुड नॉट स्टॉप। इसी के साथ आज की वीडियो, पापा साहब आ चुके हैं रेस्क्यू में लाइट देने के लिए, इसी के साथ आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सा वीगन प्रोडक्ट ट्राई करने वाले हो, और अगर आप ट्राई करने वाले हो तो डेफिनेटली ट्राई करने के बाद इस वीडियो में आके मुझे कमेंट करके बताना ये मीट आपको, ये प्रोडक्ट कैसे लगे। ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं फ्रॉम बिग बास्केट, अमेजोन में मिल जाएगा आपको। एंड यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैप्पी वीगन फूड ईटिंग, हैप्पी प्लांट बेस्ड फूड ईटिंग, बाय बाय।